अब बात करते हैं दमोह की, जहां सात फेरों के बाद दुल्हन पक्ष ने दूल्हे को मानसिक बीमार बताते हुए लड़की को विदा करने से इनकार कर दिया। इसे लेकर गुस्साए दूल्हे ने मंडप में ही कपड़े उतार दिए और जमकर हंगामा किया। मामला महिला थाने तक पहुंच गया। दूल्हे को किसी तरह काबू कर उसके परिजन बस की सीट से बांध कर अपने साथ ले गए। वह लगातार गालियां दे रहा था, इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल बुधवार रात नरसिंहपुर जिले से बारात दमोह पहुंची थी। शहर के कचोरा बाजार स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन में शादी की रस्में निभाई गईं। शादी की रस्मों के दौरान दूल्हा अजीब व्यवहार कर रहा था। दुल्हन और उसके परिजन यह सब देखते रहे। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सुबह भी उसका व्यवहार वैसा ही रहा। गुरुवार सुबह उन्होंने लड़की को विदा करने से इनकार कर दिया। महिला थाना प्रभारी सुशीला श्रीवास्तव ने बताया कि शादी होने के बाद गुरुवार सुबह दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन वधु पक्ष ने विदाई करने से मना कर दिया है। इनके बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ है, इसकी जानकारी उनके पास नहीं है। आवेदनों के आधार पर दोनों पक्षों के बयान लेकर मामले की जाँच की जा रही है। लाइव वीडियो बना ले तो कचू है संजय शर्मा से पेड़ में हो लगा वीडियो बना कब बना ले कचू। लड़की वाले लड़की की विदा नहीं करना चाहते, इस कारण नहीं करना चाहते कि अभी स्पष्ट नहीं। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।